जी वेलकम टू सा चैनल। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, ये देखें दिन बिल्कुल गरूब होने पे गया है। तो मेरे इसला रूटीन बन रही थी कि थोड़ी सी वॉक की जाए, तो आए चलते हैं वॉक करने और साथ में आपको बच्चों की वीडियो शेयर करती हूँ। बच्चे मेरे इस टाइम चले जाते हैं बाबा के साथ बाहर, तो देखते हैं जी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ ही इस टाइम बाहर जाते हैं। तो मैंने आज सोचा है कि बाहर जा कर देखा जाए कि वो क्या करते हैं इस टाइम बाहर। तो चले आए चलते हैं जी वॉक के लिए, मौसम काफ़ी अच्छा है। ये देखें जी शाम का वेदर कितना अच्छा है, इधर बारिशें हो रही हैं तो मौसम काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा आज बाहर जाया जाए, घर रह रह के दिल जो है ना तंग पड़ गया था। मैं सड़क, ये देखें जी हम मेन सड़क पे आ गए हैं, तो निकलते हैं बाहर। ये देखें जी हम बिल्कुल डेरे के करीब आ गए हैं। तो बाहर तो ज़मीनों में पानी बहुत है, खेतों के अंदर हाँ बस वाला ही मौसम है। बाहर आके तो घर में बड़ा प्यारा मौसम लगता है, जैसे बाहर आए तो फिर पता चलता है कि कितनी गर्मी है। तो जी ये हम आ गए हैं डेरे पे। तो ये देखें माशाल्लाह शाम का मौसम कितना ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये सामने हमारे सारे खेत हैं, ये हमारे सामने खेत हैं। यहाँ पे हमने किया जी फसल जो है ना लगाते हैं, मूंजी अभी लगाई है, चावल की फसल काश्त कर दी गई है यहाँ पे सारी। तो ये देखें माशाल्लाह आसमान का और ज़मीन का वह कितना प्यारा कलर लग रहा है। ये देखे जी सफीर आगे कह रहा है, वो देखे आसमान पे चांद नजर आ रहा है। माता का नीरा, हमने बोला ना मुहर्रम का चांद नजर आ गया, तो सफीर कह रहा है जी मातम करने वाला चांद नजर आ गया है। तो आए चलते हैं डेरे के अंदर और देखते हैं बड़े और बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखे बच्चे इतने घास में आके घूमते हैं, इसी बात का डर लगता है कहीं इधर कीड़े वगैरह ना हो, पर ये नहीं बाज आते, क्या करते हैं। ये देखें सारे फारग बंदे जो है ना डेरे पे इस टाइम बैठ के ना तो एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, गप्पे मारे। ये देखें इसीलिए ये कपड़े रोज़ ही गंदे करके ना तो घर जाते हैं, तो मुझसे जाके पटाइयाँ भी करवाते हैं, इसलिए मैं आ जा। ये देखें जी आपका सात बच्चा इधर आके ना सारा दिन घूमता रहता है और इसने सारा कलर ही अपना ब्लैक कर लिया। जब इसने स्कूल जाना है ना तो सब ने पहचानना ही नहीं इसको कि यही वही सात बच्चा है। तो वहाँ पे इसके दादा अबू नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनको भी अल्लाह तफीक दे बड़े भाइयों को भी ये भी नमाज़ पढ़ सके। वो देखें जी उधर सात के दादा अबू नमाज अदा कर रहे हैं, शाम का टाइम है मगरिब का। साथ कह रहा है उसके ऊपर पेड़ है जामन का, ये उतार के ये पूरा दिन इधर बैठ के यही खाता रहता है। वो शापर भर भर के खाया, अब गुटलियां दिखा रहे हो। ये देखें जी भैंस और गायें भी चारा खा के ना रेस्ट कर रही हैं, अभी इसका दूध भी निकाल लिया चाचू ने, वो घर छोड़ आए हैं। सोए भैंस के नजदीक मत जाना, हाँ वो मारती भी है, उसके नजदीक मत जाना। अच्छा उसको जाके पकड़ो तो सही, एक दफा पकड़ो, मारते तो फिर उसके नजदीक क्यों जा रहे हो। चले करते हैं थोड़ी सी वॉक, वॉक करके आते हैं। शाम की अजानें भी हो गई हैं, पीछे से अजान की आवाज आ रही है। सफीर देखें कितनी तेजी से भागता हुआ आगे जा रहा है। ये नज़ारे गांव के बहुत ही प्यारे हैं, शाम को और सुबह के जो नज़ारे हैं ना फ्रेश हवा लेने के बाहर, बहुत ही मज़े वाले हैं। ऊपर से आसमान देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितने कलर हैं, मेरे अल्लाह की शान कुदरतें, ये देखें हमें एक ही आसमान में कितने नज़ारे नज़र आ रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारा आपका प्यार और हमारा इनाम होता है कि आप जितना मेरे चैनल को देखते हैं और वीडियो शेयर करते हैं, ये आपकी तरफ से हमें इनाम की सूरत में मिलता है।
ये ना खेतों के अंदर से मेंढक की बोलने की आवाज़ आ रही है, तो हमारे बड़ों की कहावतें हैं कि जब ये मेंढक बोलते हैं ना तो बारिश आती है। आप देखें सुबह बारिश आती है कि नहीं, काफ़ी आवाज़ें खेतों के अंदर से ना ये आ रही हैं। ये देखें जी अभी ना अंधेरा होने वाला है, तो हम वापस जाके नमाज़ अदा करते हैं, अजान भी हो गई है, तो आज के लिए इतनी वॉक काफ़ी है, चले हैं वापस घर चलते हैं। और आगे से देखें ना वो अंकल जी भी आ रहे हैं अपना गधा गाड़ी लेके, और उनसे उनके पीछे ना दो बड़े बड़े डागे हैं, तो डर लग रहा है कि अब वापस ही चलना चाहिए। ये देखें कितनी डागी है डागी। ये देखें अंकल जी ने बोला है सफ़ीर आ जाओ आप बैठ के मेरे साथ चले जाओ, सफ़ीर ऊपर झूले लेने के लिए बैठ गए हैं। गाँव के अभी भी अच्छी आते हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना वो हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। उनने देखा मेरे साथ सफ़ीर है, तो उनने बोला कि सफ़ीर आप ऊपर बैठ जाओ मैं आपको उतार देता हूँ। ये देखें अभी भी आसमान में कितने कलर नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ये देखें जी ये भी हमारा डेरा है अपना, यहाँ पे तो वो देखें कितनी प्यारी कैटो बैठी हुई है, ब्लैक है, उसकी आंखें वाइट वाइट कैमरे के अंदर आ रही हैं। और ये देसी माहौल है, ये डेरे के रहायशी हैं, इधर रहते हैं, हमारी डेरे की रखवाली करते हैं। चले आएँ चलते हैं, नमाज भी पढ़नी है, फिर लेट हो जाना है, चलें घर चलते हैं। आ गए हैं वापस घर, टाइम काफ़ी हो गया, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो जी आ गए हैं घर, अब चले दरवाज़ा खोल और अंदर चले, फूफा जान भी नमाज अदा करने लगे हैं। तो जी आ गए हैं घर, मोबाइल रखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं वजू और नमाज पढ़ते हैं। तो जी मैं करने लगी हूँ नमाज अदा। तो जी मैंने कर लिया अदा, नमाज अदा कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम अगले व्लॉग में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।